हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, इस वाले वीडियो में हम इस एक्सरसाइज का यानी कि एक्सरसाइज 20A का लास्ट के जो 3 क्वेश्चंस हमारे बच गए हैं ना, 28, 29 और 30, उनको आपको सॉल्व करना सिखा देंगे। और हमेशा की तरह प्रीवियस वीडियोस का और जो मैं नेक्स्ट वीडियोज़ बनाऊंगा यानी कि एक्सरसाइज 20B और 20C का, उन सभी का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर के आप अपने सारे डाउट्स एक ही बार में क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या है हमारे पास। तो द डायमेंशन ऑफ ए मेटल ब्लॉक आर 2.25 मीटर बाई 1.5 मीटर बाई 27 सेंटीमीटर। इट इज मेटल्ड एंड रिकास्ट इनटू क्यूब्स। ठीक है, ईच ऑफ साइड 45 सेंटीमीटर। तो हाउ मेनी क्यूब आर फॉर्म। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है ना कि एक हमारे पास मेटल है, कुछ इस तरीके का मान लो एक मेटल है हमारे पास जिसमें अलग अलग साइज हमारे पास है ना, ऊपर का शेप अलग दिया हुआ है, फिर उसकी हाइट और लेंथ सब कुछ हमको क्या दी गई है, अलग अलग दी गई है। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारे एक तरह से क्यूबाइड के शेप में जो होगा मेटल होगा। इसको क्या किया जाता है, पिघलाया जाता है और इसके अंदर से फिर जब इतना पिघल जाता है ना तो इसको फिर क्यूब बनाया जाता है, छोटा छोटा क्यूब बनाया जाता है जिसका जो ईच साइड है क्यूब का वो कितना है, 45 सेंटीमीटर है। तो बताइए कि कितने पीस इसमें से क्यूब बनेंगे। तो जब कभी भी इस टाइप से क्वेश्चन आए ना कि कुछ बड़ा सामान था उसको तोड़ा गया, काटा गया था ना, पिघलाया गया और उसे छोटे छोटे सामान बनाया गया, तो उसको हमको पता अगर करना रहे कितने पीस बनेंगे तो उसके लिए कुछ नहीं करना है कि जो पहले का उसका वॉल्यूम है उसको निकाल लेना है और जो बाद में जो उसका छोटा छोटा बन रहा है ना वो छोटे छोटे का वॉल्यूम निकाल लेना है और बड़े वाले के वॉल्यूम से छोटे वाले वॉल्यूम को डिवाइड दे दो, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने पीस जो है छोटे वाली चीज़ हमारे सामान जो है क्यूब है वो बनेगा। समझा गया बात ना। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसका वॉल्यूम निकालेंगे, फिर क्यूब का वॉल्यूम निकालेंगे और दोनों को आपस में डिवाइड दे देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, आसानी से पता चल जाएगा कितने पीस वहाँ पर क्यूब बनने वाले हैं। ये सॉल्व करते हैं। देखो ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पर हमको तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए आप सिंपल इसको शॉर्टकट में लिखने की कोशिश करो। तो सबसे पहले हमको पता क्या है कि हमको वॉल्यूम निकालना है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल या फिर जो हमारा पहले से दिया हुआ है ना वो वाला क्यूब का यानी कि वो वाला ब्लॉक का, तो ओरिजिनल ब्लॉक इस तरीके से लिख लो कि जो हमारा वॉल्यूम ओरिजिनल ब्लॉक का वो कितना है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली यहीं पर मैं निकाल लेता हूँ, इधर थोड़ा हमारा पेज बच जाएगा तो हम दूसरा क्वेश्चन भी समझा देंगे आपको ताकि हमारा इन्वायरमेंट सेव रहे। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या किया जाता है, जब भी हमारे पास क्यूबाइट रहता है तो जो हमारा लेंथ है, हाइट और ब्रेथ है, उन सभी का हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास लेंथ कितना दिया हुआ था, 2.25 था, तो 2.25 मीटर मल्टीप्लाई में, उसके बाद हमारे पास जो उसका ब्रेथ दिया होता 1.5 मीटर था, तो 1.5 मीटर और फिर मल्टीप्लाई में 27 सेंटीमीटर। तो देखो ये सब क्या है, अभी हमारे पास मीटर मीटर में और एक सेंटीमीटर में है, तो अलग अलग यूनिट कभी भी आपस में मल्टीप्लाई नहीं होता है, सेम यूनिट यहाँ से मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस सब होंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये डेसिमल वाला वैसे भी है तो हम क्या करते हैं इसको होल नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं और मीटर को सेंटीमीटर में बदल देते हैं। ठीक है, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, तो सिंपल है इसका 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो हमारा डेसिमल है ना वो 2 डिजिट आगे निकल जाएगा, तो ये हमारा कितना बन जाएगा, 225 सेंटीमीटर बन जाएगा। उसी तरीके से मल्टीप्लाई में यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो हम जब 1.5 का देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई में करके दिखा रहा हूँ, रफली 1.5 है हमारे पास, इधर देखो यहाँ पर 1.5 है। ठीक है, उसका अगर पर मल्टीप्लाई करते हैं 100 से तो देखो एक जीरो की वजह से तो डेसिमल बाहर निकल जाएगा, उसके बाद क्या बन जाएगा, 10 बच जाएगा ना, तो 10 की वजह से वो क्या हो जाएगा, ये तो 15 बन गया एक जीरो की वजह से, अब दूसरे वाले जीरो की वजह से वो उसमें जीरो बढ़ जाएगा यानी कि 150 हो जाएगा। तो 1.5 मीटर इसका मतलब हो जाएगा 150 सेंटीमीटर, और उसके बाद इधर तो हमारे पास ये 27 सेंटीमीटर पहले से है, तो बस ये सेंटीमीटर 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 क्या बन जाएंगे, हमारे सेंटीमीटर क्यूब बन जाएंगे और ये सब हमारा बच जाएगा यानी कि 225 मल्टीप्लाई 150 मल्टीप्लाई में 27 सेंटीमीटर का क्यूब इस तरीके से। चलो यहीं पर अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारा कितना है, 225 है, मल्टीप्लाई कितने से करना है, 15 से करना है, तो ये हो जाएगा हमारा 225 मल्टीप्लाई 15, ये जीरो को लास्ट में अपन लिख लेंगे बाद में, तो ये हो जाएगा हमारा 15 5 जो 75 का 5 कैरी हो गया 7, 15 टू जा कितना होता है 30 और 7 37 का 7 फिर से कैरी हो गया 3, और ये हो जाएगा 15 टू जा 30 और 3 33 है ना, और ये जीरो है उसको फिर हम लास्ट में लिखेंगे। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका 27 से, तो आज इसका कर लेते हैं 7 5 जो हो जाएगा 35 का 5 कैरी हो गया हमारे पास 3, 7 7 जा 49 और 3 हो जाएगा 52 का 2 कैरी हो गया 5, 7 3 जा 21 और 5 हो जाएगा हमारे पास 26 का 6 फिर कैरी हो गया 2, तो 7 3 जा 21 और 2 हो जाएगा हमारे पास कितना 23। ठीक है ना, ध्यान देते रहना ना, मैं बहुत हड़बड़ी में जब मल्टीप्लाई करता हूँ ना तो कई बार मिस्टेक्स हो जाती हैं छोटी छोटी, और उस छोटी वजह के वजह से क्या हो जाता है, हमारा पूरा आंसर गलत हो जाता है, तो उसमें ध्यान देना। 25 जा 10 का 0 कैरी हो गया 1, 27 जा 14 और 1, 15 का 5 कैरी हो गया फिर से 1, 23 जा 6 और 1 7 और फिर 23 जा 6 तो ये हो गया हमारा 5, 2 ये हो जाएगा हमारा 11 का 1 कैरी हो गया 1, ये हो जाएगा हमारा 7 और 3 10 और 1 11 का फिर से 1 कैरी हो गया 1, तो ये हो जाएगा 6 और 2 8 और 1 9 यानी कि इसका आंसर कितना निकल गया हमारे पास, 91125 सेंटीमीटर का क्यूब। और उसके बाद एक जीरो भी था हमारे पास ना ये वाला, तो ये जीरो भी यहाँ पर लगा देंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा 91125 सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, कितना एक्चुअल में 91,011,250 सेंटीमीटर का क्यूब है। ठीक है, इतना ही रहने दो। अब हम क्या निकालेंगे कि जो हमारा
क्या बोल रहे हैं, क्यूब बनाना था ना, तो क्यूब का हमें एज कितना दिया हुआ था, 45 सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो हम उसका वॉल्यूम निकाल देंगे। यहाँ पर हम लिख लेंगे एक बार कि एज ऑफ क्यूब, ठीक है, क्यूब का जो एज दिया हुआ था वो कितना था, तो 45 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब ये कितना बन जाएगा हमारा, 45 सेंटीमीटर है, तो इसका वॉल्यूम निकालने का हमको पता है कि क्यूब का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है ए के पावर में 3, यानी ये जो हमारा ना ये ए दिया हुआ है, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे हम सो वॉल्यूम इक्वल टू 45 के पावर में 3, यानी 45 सेंटीमीटर के पावर में 3। तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ से 45 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 45, और उसके बाद ये सेंटीमीटर का जो है क्यूब बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इसको, 45 को मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं, 45 मल्टीप्लाई 45 कितना आ जाएगा हमारा, 5 जो 25 का 5 कैरी हो गया 2, 5 जो 20 और 2 22, ठीक है। उसके बाद 45 जो 20 का 0 कैरी हो गया 2, 44 जो 16 और 2 18, ये बन गया हमारा 5, 2 10 का 0 कैरी हो गया 1, 1 और 1 ये हो जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। और उसके बाद फिर अब अपन क्या करना है, एक बार और 45 से मल्टीप्लाई करना है, तो एक बार और 45 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास 3 टाइम था, तो हो जाएगा फिर से 5 जो 10 का 0 कैरी हो गया हमारे पास 1, तो हो जाएगा 5 2 जो 10 और 1 हो जाएगा हमारे पास 11 का 1 कैरी हो गया फिर से 1, तो ये 1 उतर जाएगा और 5 2 जो हो जाएगा 10। अब 4 से कर लो, 4 5 जो 20 का 0 कैरी हो गया हमारे पास 2, 4 2 जो 8 है ना, रुक जाएगा, हाँ 4 2 जो 8 और 2 10 का 0 कैरी हो गया फिर से 1, ये 1 का 1 उतर गया यहाँ पर, और फिर हो जाएगा हमारे पास 4 2 जो 8, तो ये कितना आ जा रहा है हमारा 0 1 1 और ये भी 1 और ये हो जाएगा हमारा 9, ठीक है। इतना हमारे यहाँ पर से आ जा रहा है, चेक कर लेते हैं कुछ गलत तो नहीं है। और गलत मेरे को इसलिए लग रहा है क्योंकि ये अलग है और ये अलग है, जबकि हमारा जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आता है ना, यानी कितने पीस बनेंगे डब्बे वगैरह, तो वहाँ पर अधिकतर जो होता है हमारा सेम आता है मल्टीप्लाई करने के बाद, क्योंकि हमारा उसको क्या करना पड़ता है, अगर हमें डिवाइड देना है तो अधिकतर सेम आता है, इसका मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर हमारा गलत है, एक बार चेक कर ही देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा इतना ही, ठीक है, 4/22, ठीक है, इतना सही है, ये भी ठीक है, ठीक है, ऐड हमारा 2 10 0 करे वन, ठीक है, 5 5, अच्छा ये वाला हमारा गलत है यहाँ पर, ठीक, ये देखो ये गलत हुआ था, 5 5 जो हमने कितना लिख दिया था, 0 लिख दिया था, मैं बोला ना जब बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करना रहता है ना, मैं खुद ही थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो ये जगह हमारा 5 5 जो 25 का 5 कैरी हो गया हमारा 2, फिर 5 2 जो 10 और 2 12 का 2 कैरी हो गया हमारे पास 1, तो ये 1 का 1 उतर जाएगा और 5 2 जो हो जाएगा हमारा 10। अब 4 से करना है, तो 4 5 जो 20 का 0 कैरी हो गया हमारे पास 2, 4 2 जो 8 और ये हो जाएगा हमारे पास 2 कितना 10, तो 10 का फिर से 0, फिर देख लेता हूँ भाई कुछ गलत नहीं हो रहा, 4 5 जो 20 का 0 कैरी हो गया हमारे पास 2, फिर हो गया 4 2 जो 8 और 2 10 का 0, बिल्कुल ठीक है, कैरी हो गया 1, तो 1 का 1 उतर जाएगा और 4 2 जो 8 हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 5 2 1 1 8 और 1 9। तो देखो अब ये हमारा सेम सेम दिख रहा है ना, इसका मतलब कि अब हमारा मल्टीप्लाई गलत नहीं हुआ है। क्यों गलत नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा अधिकतर जब हम इस टाइप से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नंबर्स निकलते हैं वो हमारे डेसिमल में नहीं निकलते, और अगर इस टाइप से हमारा आंसर आ जाता तो फिर हमारा डेसिमल में निकल जाता, तो ये हमारा लगभग सेम ही आता है, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा अब यहाँ से, टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक जो है, इस टाइप से आप लिख लो एक बार कि टोटल नंबर, या फिर नंबर ऑफ ब्लॉक्स भी लिख सकते हो शॉर्ट में, टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि इसका जो वॉल्यूम है टोटल वाला वॉल्यूम उसे डिवाइड देते हैं क्यूब के वॉल्यूम से, तो यहाँ पर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल ब्लॉक डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो ये कितना निकल गया हमारे यहाँ से, ये हो गया ओरिजिनल ब्लॉक का वॉल्यूम 9 1 1 2 5 0 है, और जो हमारा वॉल्यूम है क्यूब का वो कितना है, तो वो है 9 1 1 2 और 5 है, तो बस देखो ये हमारा कट हो रहा है सीधे सीधे, ये और ये कट हो गया, एक ये 0 बच गया, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 1 और 0। देखो ये हमारे पास कितना था, 91125 है, तो 91125 1 जा 91025 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 1 यहाँ पर भी 1 हो गया और ये 0 का 0 उतर जाएगा, तो डिनोमिनेटर का 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, बस न्यूमिनेटर में जो है नंबर उसको आप लिख दो, तो ये हो जाएगा हमारा 10, यानी कि हमारे वहाँ पर कितना ब्लॉक बनने वाले हैं, टोटल क्यूब कितने बनने वाले हैं, तो 10 पीस क्यूब बनने वाले हैं, और ये जो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से फाइंड करना है, कुछ नहीं करना, बस मल्टीप्लाई में ध्यान देना, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 28 भी सॉल्व, आइए जो क्वेश्चन नंबर 29 है उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन 29 में क्या है, इफ द लेंथ ऑफ ईच एज ऑफ ए क्यूब इज डबल, यानी क्या किया जा रहा है कि एक क्यूब है उसके जो एज है ना उसके लेंथ को डबल कर दिया जा रहा है, ठीक है, यानी कि पहले मान लो अगर 10 था तो अब 20 कर दिया गया, पहले अगर 50 था तो 50 का डबल कितना हो जाएगा हमारा 100, तो इस तरीके से उसको डबल कर दिया जा रहा है एज को, ठीक है। तो हाउ मैनी टाइम डज इट वॉल्यूम बिकम, तो बताइए कि जो उसका वॉल्यूम है ना वो कितना ज़्यादा हो जाएगा, कितने मल्टीप्लाई में हो जाएगा, समझ आ रहा है बात, नहीं आ रहा है अभी आपको समझाऊंगा रुको इसको। उसके बाद फिर बोल रहा है हाउ मैनी टाइम डज इट सर्फेस एरिया बिकम, तो उसका जो सर्फेस एरिया ना वो कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा, ये बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो हमारे पास एक डब्बा बना हुआ था, ठीक है, उसका जो भी वॉल्यूम था क्यूब था, क्यूब के शेप में था, उसका जो एज था ना उसको डबल कर दिया गया, तो अब जब हम उसका एज को डबल कर देते हैं तो उसका जो वॉल्यूम है ना वो कितना ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, और उसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो कितना ज़्यादा बढ़ जाता है, ये हमसे यहाँ पर पूछ रहा है। तो सिंपल है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे और फिर फॉर्मूला में हम डबल कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ वॉल्यू दिया हुआ नहीं है, वॉल्यू दिया हुआ था तब हम उसका डबल करते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई वॉल्यू नहीं, इसलिए हम फॉर्मूला का डबल करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं इसे।
देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो एज है हमारा उसको हम क्या मानते हैं, अधिकतर आपने देखा होगा फॉर्मूला में ए लिखा हुआ रहता है, तो यहाँ पर हम सिंपल लिख देंगे कि मान लेते हैं जो एज है वो हमारा क्या है, ए है। तो लेट द एज ऑफ क्यूब बी ए, यानी कि मान लिया कि जो एज है वो क्या है, वो ए है। तो अब हमारे पास जो उसका वॉल्यूम होगा वो कितना हो जाएगा, तो सो वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है, एज का पावर में थ्री। तो एक एज को हमने क्या माना है, ए माना है, तो वॉल्यूम हो जाएगा हमारा ए के पावर में थ्री। समझा कि अगर आप यहाँ पे एक्स मानते हैं तो वॉल्यूम हो जाता है एक्स के पावर में थ्री, अगर आप यहाँ पे वाई मानते हैं तो वाई के पावर में थ्री हो जाता है, तो वॉल्यूम हमारा इतना हो जाएगा। और उसी तरीके से जो हमारा टोटल सर्फेस एरिया है जिसको हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, टी ऐसे बोलते हैं, वहाँ पर देखो सर्फेस एरिया लिखा था और मैंने आपको बता दिया पहले वीडियो में कि जो हमारा सर्फेस एरिया का मतलब होता है टोटल सर्फेस एरिया, ठीक है। तो टोटल सर्फेस एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास, उसका फॉर्मूला होता है सिक्स ए का स्क्वायर, यानी कि अगर हमारे पास एज ए है तो टोटल सर्फेस एरिया हो जाएगा सिक्स ए का स्क्वायर। अब अपन क्या कर रहे हैं कि उसके जो एज है ना उसको डबल कर दे रहे हैं, तो यहां पर लिखेंगे हम कि इफ द एज इज डबल्ड, ठीक है। अगर अपन एज को क्या कर लेते हैं, डबल कर लेते हैं, तब क्या होगा, जो हमारा न्यू एज है वो कितना आ जाएगा, न्यू एज इक्वल टू, यहाँ पर डबल का मतलब होता है कि टू से मल्टीप्लाई ना, तो ये पहले वाला एज था अब डबल कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा टू ए हो जाएगा। तो अब हमारा नया वॉल्यूम कितना हो जाएगा ये देख लेते हैं, तो न्यू वॉल्यूम इक्वल टू, तो देखो अब ये एज इतना हो गया है, तो हम क्या जानते हैं कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी एज है उसके पावर में थ्री, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा टू ए के पावर में थ्री। तो ये कितना निकल जाएगा, टू ए के पावर में थ्री है, यानी कि टू का पावर में भी थ्री है और ए के पावर में भी थ्री है, तो टू के पावर में थ्री यानी कि टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू, तो टू टू जाए फोर और फोर टू जाए एट हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा एट ए के पावर में थ्री, ये न्यू वॉल्यूम निकल गया। समझ आ गया, उस तरीके से हम क्या करेंगे, न्यू जो हमारा एरिया है टोटल सर्फेस एरिया टी एस है वो भी निकाल लेंगे। तो टोटल सर्फेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सिक्स ए का स्क्वायर होता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिक्स ए की जगह पर हमारा क्या बन गया, वो 2a बन गया है, तो इसको शॉर्टकट में ब्रैकेट में 2a लिखेंगे और उसका स्क्वायर लिख देंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और a का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा हमारा मल्टीप्लाई में 4a का स्क्वायर, तो 6 हो जाएगा कितना हो जाएगा हमारा 24a का स्क्वायर। तो अब देखो कि हमारा जो पहले ये वॉल्यूम था ना वो अब कितना ज़्यादा हो गया है, तो पहले हमारे पास 1 पीस था, अब 8 हो गया है, यानी कि 8 टाइम ज़्यादा है ना, यहाँ पर बोला है कितने टाइम्स ज़्यादा हुआ ना, यानी कि मल्टीप्लाई पूछ रहा है, टाइम जब भी बोला जाए ना इसका मतलब समझ जाओ कि आपसे मल्टीप्लाई में पूछ रहा है कि वो कितना मल्टीप्लाई ज़्यादा हुआ है। तो ये देखो यहाँ पर 1 था और वो 8 बन गया अब यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा, 8 टाइम ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो वॉल्यूम बिकम, ठीक है, 8 टाइम्स, जो वॉल्यूम है वो 8 टाइम्स हो जाता है ज़्यादा, एंड जो हमारा सरफेस एरिया है यानी कि टोटल सरफेस एरिया टी एस ए, इस तरीके से लिख लो टी एस ए, वो कितना हो जाता है ज़्यादा वो भी देख लेते हैं। तो पहले कितना था, पहले वो 6a का स्क्वायर था, अब कितना हो गया, वो 24a का स्क्वायर हो गया है। तो ये कितनी टाइम्स बढ़ा ये देखना है ना, ये नहीं कि 24 में से 6 माइनस कर दिए और लिख दिए कि 18 वो ज़्यादा हुआ है, 18 ज़्यादा नहीं हुआ है, टाइम्स बताना है, 18 तो ज़्यादा हुआ ही है, लेकिन अपने को यहाँ पे बताना है कितने टाइम ज़्यादा हुआ है, मल्टीप्लाई में बताना है। तो 6 के टाइम कितना, हम 6 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे 24 आ जाए, तो 6 1 जाए 6, 6 2 जाए 12, 6 3 जाए 18 और 6 4 जाए होता है हमारा 24, यानी कि ये 4 टाइम्स ज़्यादा हो गया है। समझ में आया बात ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंड टी एस ए बिकम 4 टाइम्स, समझ में आ गया, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। इस तरीके से आपको निकालना, ये चीज़ कन्फर्म हो गया ना, इसमें कई बार बच्चे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये सर 4 टाइम, ये तो 8 समझ में आ रहा है कि ये 1 था 8 बन गया तो 8 टाइम ज़्यादा हो गया, लेकिन ये 4 कहाँ से आया, तो 4 टाइम्स का मतलब होता है कि 4 मल्टीप्लाई, यानी कि 6 था तो 6 का हमने 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 24 आएगा, तो ये हमारा जो 24 आया है ना इसका मतलब कि वो 4 टाइम ज़्यादा हो गया है पहले वाले से। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 29 कंप्लीटली सॉल्व। आइए जो क्वेश्चन नंबर 20 सॉरी लास्ट क्वेश्चन है 30, उसे भी इसी तरीके से समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि ए सॉलिड क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ फाइन वुड कॉस्ट इतना रुपीज़ एट 5500 पर मीटर का क्यूब, ठीक है, यानी कि ये उसका रेट था तो इतना रुपीज़ में उसको खरीदा गया है, तो फाइंड इट्स वॉल्यूम एंड द लेंथ ऑफ ईच साइड, तो बताइए कि उसका वॉल्यूम कितना होगा और जो उसका ईच साइड का एज है वो कितना होगा। तो अगर अपन को वॉल्यूम पता चल गया तो हम आसानी से उसका ईच साइड वाला एज निकाल सकते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था क्वेश्चन 27 पिछले वाले वीडियो में कि अगर हमारे पास वॉल्यूम है तो उसका हम पहले एज निकालते हैं और फिर सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, उसी तरीके से वहाँ पर आपको तो सरफेस एरिया नहीं निकालना है, केवल वॉल्यूम निकालना है और जो भी नंबर दिया उससे वॉल्यूम निकलेगा और उसके बाद फिर उसका एज निकल जाएगा, ठीक है, या फिर जिसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ ईच साइड, लेंथ ऑफ ईच साइड का मतलब होता है उसका एज, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, सबसे पहले तो दिमाग लगाओ कि इन दोनों में से हम इसका वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं, तो इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ ना कि यहाँ से आपका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, ठीक है, यहीं पर बना लेते हैं समझने के लिए, आपको एक चॉकलेट और बिस्कुट खिलाता हूँ, रुको भी। ये हो गया हमारा 30, तो मान लो कि एक पीस बिस्किट है आपके पास, ठीक है, एक पीस बिस्किट है, ये 1 लिख लेता हूँ यहाँ पर, तो इसका अगर रेट है 20 रुपीज़, कितना है 20 रुपीज़, और अगर आप 10 रुपीज़ में ले रहे हो तो उसमें कितना देगा आपको,
एक बिस्किट का रुपीज़ जो है वो 20 रुपीज़ है, ठीक है, एक बिस्किट का उसका जो रेट है 20 रुपीज़ है, तो 10 रुपीज़ में आपको कितना मिलेगा, तो जाहिर सी बात है 10 रुपीज़ में उसको आपका आधा मिलेगा, पूरा तो मिलेगा नहीं, और आधा कंपनी क्या बोलते हैं 1/2 बोलते हैं। तो ये निकलता कैसे है, यही जो है ना उसका एरिया निकल गया हमारा, ठीक है, तो ये हमारा 2D डायमेंशन में था इसलिए इतना निकला। अब हमारे पास 3D डायमेंशन है, तो देखो ये 1/2 निकलेगा कैसे, कि हमारे पास 20 रुपीज़ था, ठीक है, 20 रुपीज़ का प्रोडक्ट था और उसमें हमने 10 रुपीज़ खर्च किया, केवल 10 रुपीज़ में लिया है, तो हमारे को कितना मिलेगा उसका, तो हमारा 0 से 0 कट हुआ तो 1/2 मिलेगा, यानी कि आधा सामान मिलेगा। उसी तरीके से यहाँ पर 500 मीटर का क्यूब उसका रेट है और उसमें से उसने कितना खर्च किया है, तो 256 रुपीज़ खर्च किया है, तो जो वॉल्यूम निकल जाएगा वो कितना निकलेगा, उन दोनों को आपस में डिवाइड करके निकलेगा। समझ आया बात ना, जैसे ये था वैसे वो भी है, बस यहाँ पर हमारे पास बिस्कुट का मैंने एग्जांपल लिया है, वहाँ पर वो जो है क्यूबिकल ब्लॉक वगैरह है, ठीक है, उससे आपको डरने की जरूरत भी नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि जो हमारा कॉस्ट है ना वो कितना है, तो कॉस्ट ऑफ जो वुड है, लकड़ी का जो कॉस्ट है वो है रुपीज़ हमारे पास 500 मीटर का क्यूब, ये उसका कॉस्ट है, ठीक है। तो जो ब्लॉक उन्होंने खरीदा, ठीक है, वो कितना खरीदा है उसमें से, तो उन्होंने खरीदा है 256 रुपये का, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गिवन ब्लॉक, जो हमको दिया गया है क्वेश्चन में ना, उसका लकड़ी का तो इतना रेट था और उसमें से जो ब्लॉक उन्होंने खरीदा उसका जो रेट है वो है ₹256। तो अब अपने को क्या करना है, यहाँ से वॉल्यूम निकालना है, तो यहाँ पर हो जाएगा सिंपली वॉल्यूम इक्वल टू हमारा इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दो, 256 डिवाइडेड बाई 500, और ये जो हमारा मीटर का क्यूब है ये मीटर का क्यूब इस तरीके से लिख लो, इज दैट क्लियर। वैसे बात क्या करना है आपको, इसको डिवाइड दे देना है जितना जल्दी जल्दी हो सके। तो देखो सिंपल तरीका क्या है कि यहाँ पर हमारे पास 500 है ना, तो इसको 5 को अलग कर लो, 100 को अलग कर लो और 5 से इसको डिवाइड दे दो। समझ आ रहा है बात, अगर वो सब समझ में नहीं आ रहा ना तो सिंपली आपको फिर पूरा पूरा डिवाइड देना पड़ेगा। तो पूरा डिवाइड देने से अच्छा है कि मैं आपको जो ट्रिक बता रहा हूँ वो समझो आप। ट्रिक मैं आपको कहाँ पर बता दूँ, चलो नीचे मैं समझाता हूँ ना, कुछ ट्रिक भी जानने के लिए जरूरी है, ठीक है। तो ये देखो 256 है ना, नीचे में हमारे पास 500 है, तो 500 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 × 100 लिख सकते हैं। तो अब इसको क्या करेंगे, हम 5 से कट करेंगे, देखो 5 × 5 हो जाएगा, ये 5 × 5 = 25, ये 5 × 5 हो जाएगा हमारे पास 5 × 5, यहाँ पर से हमारे पास ये कितना बच गया, 6 में से 5 कट हुआ तो 1 बच गया, तो 1 बच जाता है, तब क्या करते हैं डेसिमल लगाते हैं और इसमें 0 बढ़ा देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 5 × 2 = 10। यानी जब अपन इसको 5 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 51.2 डिवाइड में 100, इतना आ जाएगा, ये 100 भी बचा हुआ है। अब क्या है, देखो नीचे में 100 है यानी कि 20 है, तो सिंपल क्या करेंगे, जो डेसिमल है वो नीचे वाले 0 की वजह से क्या होता है और अंदर आ जाता है, यानी कि यहाँ पर 10 की वजह से डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा और दूसरे वाले 0 की वजह से डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डेसिमल 512। ये शॉर्टकट ट्रिक है एकदम, और यहाँ पर डेसिमल है और इसके बाद इधर 0 लिख दो, क्योंकि डेसिमल के इधर कुछ नहीं रहता तो 0 लिख दिया जाता है, तो जो वॉल्यूम निकल जाएगा वो कितना निकल जाएगा हमारे यहाँ से, तो 0.512 मीटर का क्यूब निकल गया। अब चाहो तो आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, तो हमारे मीटर में सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो उसमें हम लोग को 60 यानी कि 1000000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये आपका रूल हमारे पास, जो हमारा समरी दिया हुआ है ना, पीछे में समरी बोल रहा हूँ सॉरी, जो हमारे पास टेबल दिया हुआ था एक्सरसाइज 20 से पहले, जहाँ पर पूरा डायमेंशन को चेंज करने के लिए दिया था, मीटर को सेंटीमीटर में कैसे यूनिट को चेंज करें, है ना, डेसीमीटर को कैसे चेंज करें लीटर से, इस तरीके से। तो वहाँ पर से अगर आप देखोगे तो इसको अगर आपको मीटर में चेंज करना है तो फिर आप इसको क्या करना पड़ेगा 10,000 से, क्योंकि यहाँ पर मीटर का क्यूब है, ठीक है। तो अगर आप इनको सेंटीमीटर में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसका इस तरीके से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो ये हो जाएगा हमारा 0.512 मल्टीप्लाई में 1000000, यहाँ पर ये हो जाएगा 1234560, क्योंकि 1,00,000 में 50 होता है तो 1,00,000 में 60 होगा, और ये क्या में चेंज होगा फिर सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। समझ आ रहा है बात ना, ये कैसे आता है, अगर ये भी आपको जानना है तो एकदम डिटेल में इन सब का वीडियो भी मैं आपको एक डिटेल में समझा दूंगा, एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट वाला वीडियो बनाता हूँ ना, वहाँ पर मैं आपको एकदम डिटेल में समझा दूंगा कि इस तरीके जो हमारे जीरो बढ़ते हैं इतना ज़्यादा वो कैसे बढ़ता है, क्योंकि मीटर में तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं। देखो चलो यहीं पर समझा देता हूँ, हटाओ उतना वीडियो वगैरह का झंझट नहीं पालना है, सिंपल आपको समझा देता हूँ। देखो 1 मीटर को जब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मीटर को हम सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो 100 सेंटीमीटर होता है। उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर कितना है, मीटर का क्यूब है ना, यानी कि 1 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर और मल्टीप्लाई 1 मीटर है हमारे पास, तब ना 1 मीटर 1 मीटर और मीटर मिल करके क्या बन जाएगा हमारा 1 मीटर का क्यूब बन जाएगा। तो इधर भी हमारा क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर से हमारा 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर और फिर मल्टीप्लाई में 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, इस तरीके से होता है। समझ में आ रहा है बात, तो यहाँ पर ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 20 20 20 यहाँ से उतर जाएंगे, टोटल हो जाएगा हमारा 60, ये हो गया 5 और एक और 0 उतर जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर मिल करके सेंटीमीटर का क्यूब बन जाएंगे, यानी कि 1 मीटर के क्यूब में हमारा ये 1000000 सेंटीमीटर का क्यूब होता है, ये इस तरीके से निकलता है। समझ आ गया, अब नेक्स्ट वीडियो वगैरह मैं कुछ नहीं बनाऊंगा, इसी में समझो अच्छे से, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर का क्यूब, यानी कि इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तब, तो यहाँ पर 30 की वजह से डेसिमल पूरा पूरा बाहर निकल जाएगा और 30 और बच गया तो वो उसमें लग जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा 512 सेंटीमीटर और 0003 है ना, तो ये 30 भी उतर जाएंगे सेंटीमीटर का क्यूब। ये क्या निकल गया, उसका वॉल्यूम निकल गया। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है,
कि ए का क्यूब, यही होता है ना हमारा जो क्यूबिक होता है, क्यूब होता है उसके वॉल्यूम का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ए का क्यूब होता है। तो हमको ए का क्यूब यहाँ से मिल गया। वो क्या बोला था कि उसका जो लेंथ है ना एक साइड का वो बताना है आपको, तो लेंथ का मतलब ये होता है ए, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ए बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अब ए निकालना है। तो ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस क्यूब को इधर ट्रांसफर करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा ए इक्वल टू, ये जो होगा हमारा अंडर रूट में थ्री वाला पावर में आ जाएगा क्यूब में इस तरीके से, और ये हो जाएगा 512000, और ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर का क्यूब। बस यहाँ से अब आपको इसको बाहर निकालना है, तो ठीक फिर से उसी तरीके से कर लो, ये 30 पहले से है, यानी कि 10 × 10 × 10 यहाँ पर पहले से हमारे पास है, बस 512 का फैक्टर पता कर लो, तो ये हो जाएगा हमारा 512। ये देखो हमारा 2 से हो रहा है, तो 2 × 2 = 4, ये 1 चल गया इधर, तो ये बन जाएगा हमारा 11, तो 2 × 5 हो जाएगा 10, फिर 1 इधर गया तो 2 × 6 हो जाएगा हमारे पास 12, फिर 2 से हो रहा है, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 1 इधर गया तो 2 × 8 = 16। कंटिन्यू करते जाओ जितना 2 से हो रहा हो, 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8, फिर 2 × 2 = 6, 2 × 2 = 4, 2 × 16 = 32, 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 1, और सॉरी 2 × 2 = 4, और 2 × 1 = 2। तो ये हमारे 2 कितने पेयर बन गए, देखो ये 1, ये 1 और ये 1, यानी कि हमारे पास इसको इस तरीके से हम लिखेंगे, ए इक्वल टू क्यूब के अंदर में 2³ मल्टीप्लाई 2³ और मल्टीप्लाई 2³, 3 टाइम आया ना हमारा, और फिर ये सेंटीमीटर के पावर में 3, इस तरीके से इसको लिखा जाता है। तो सबके पावर में 3 आ गया, इसका मतलब कि अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इस अंडर रूट से बाहर निकाल सकते हैं। तो इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई ये वाला बाहर निकल गया और ये वाला बाहर निकल गया, और सेंटीमीटर के पावर में 3 था वो भी अब क्या बन जाएगा, हमारा सेंटीमीटर में बन जाएगा, समझ में आएगा ना। यानी कि यहाँ पर जब भी हमारा बाहर निकलता है तो जो भी पावर में रहता है वो चेंज हो जाता है, अगर क्यूबिक है तो क्यूब का बाहर निकल जाएगा, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर से बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा ए इक्वल टू 2² = 4, 4² = 8 सेंटीमीटर। तो एकदम डिटेल में समझाया, इसीलिए इस वाले क्वेश्चन में इतना ज़्यादा टाइम लग गया, अदरवाइज ये एकदम हमारे 2 मिनट का क्वेश्चन है। अगर आप एक बार समझ गए हो ना तो आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो ये आपसे एकदम आसानी से सॉल्व हो जाएगा, एकदम 2 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व हो जाएगा। बाकी मैंने चाह कि आपको एकदम अच्छे से समझा दूँ ताकि आप जिंदगी भर ना भूलो इस टाइप से क्वेश्चन, इसीलिए मैंने आपको इतना डिटेल में समझा दिया है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मेरा मेहनत बेकार नहीं जाएगा और आप अच्छे मार्क्स अचीव करोगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम आपको एक्सरसाइज 20 भी जो है वो समझा देंगे, और उस वाले वीडियो का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।